हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। बात करते हैं क्या है राइनोप्लास्टी और कैसे राइनोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। दोस्तों, राइनोप्लास्टी जैसे आपको पता है एक नोज जॉब है, नोज प्लास्टिक सर्जरी है, नोज की रीशेपिंग सर्जरी है। बेसिकली किसको राइनोप्लास्टी की जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम्स है नोज में जब राइनोप्लास्टी की जरूरत होती है। जैसे हमारे ये पेशेंट है, इनको बेसिकली क्यों राइनोप्लास्टी की जरूरत होती है। अगर आप जैसे इस नोज को हम देख रहे हैं, ये नोज पे क्या है, ये बम्प है, बेसिकली हम्प नोज डिफॉर्मिटी। इस हम्प के कारण आइडियली ये जो ये है पूरा ऊपर से नीचे तक यूनिक होना चाहिए, सो ये बम्प नोज है। दूसरा, ये नोज फेस के अकॉर्डिंग ये आगे आ रखा है ऐसे, सो आइडियली ये नोज क्या है, पीछे होना चाहिए बेसिकली। सो इसलिए क्या है, ऐसे जैसे इनका इंडिकेशन है, ऐसे राइनोप्लास्टी के बहुत सारे इंडिकेशन है। सपोज ये नाक यूं डेविटेड होता, ये एक तरफ जाता तो इसको क्या है, राइनोप्लास्टी की जरूरत थी। या सपोज जैसे ये बम्प है उसकी जगह ये यहाँ पे गया गड्ढा होता तो राइनोप्लास्टी की जरूरत होती है। या बहुत बार क्या है कि जो नोज का टिप जो है यूं टेढ़ा होता है तो राइनोप्लास्टी की जरूरत होती है। ये कुछ राइनोप्लास्टी के इंडिकेशन है। अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी हम कैसे करते हैं, ये बड़ा एक लोगों के दिमाग में होता है। सो दोस्तों, जैसे ये नोज की जो हमारी की प्रॉब्लम है, इसकी जो राइनोप्लास्टी हम करेंगे तो एक यहाँ छोटा सा एक इंसिजन लगाया जाता है यहाँ पे, और इससे क्या है, इस नोज को हम पूरा का पूरा डिग्लोविंग कर लेते हैं। इस स्किन वाले पार्ट को हम ऊपर करके जो भी हमारे नोज का जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क में हम जो भी चेंजेस करना होता है, चाहे वो बोन वाला हो, चाहे वो कार्टिलेज का पार्ट हो, नीचे वो टिप का हो, सेप्टम का हो, वो सारा जो हम काम करके और उसके बाद इसको वापस रीड्रैप करके यहाँ सूचर कर दिया जाता है। एंड ये जो सूचर्स होते हैं वो करीब ये मान के चलो 7080 बाल जितने से सूचर्स होते हैं, जो 10 दिन बाद आप आइडेंटिफाई भी करना चाहो तो हमें पता नहीं लगता। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो सारा कुछ करने के बाद में हमारे बाहर कहीं निशान या ऐसा पता नहीं लगता जो हमारे दिमाग में एक मिथ है। और देखो, ये जो सर्जरी होती है ये लोगों में ये मिथ होता है कि इसमें दर्द होता है या पेन होता है। ये जो पेशेंट है ये अंडर एनेस्थीसिया में है, अभी इनको कोई पता नहीं है, कोई इनको दर्द नहीं होता। बात करते हैं तो सर्जरी करीब करीब 2.5 से 3 घंटे की सर्जरी होती है, कितनी हमारे को प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद दूसरे दिन जो है हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो देखा आपने कि भाई कैसे राइनोप्लास्टी किसको जरूरत है और कैसे इसको किया जाता है। इसलिए दिमाग में बहुत सारे जो राइनोप्लास्टी के रिगार्डिंग मिथ है वो हमें निकाल देने चाहिए। और आपका कोई भी राइनोप्लास्टी से रिलेटेड कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। डेफिनेटली वी डिस्कस। थैंक यू।